पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से सेंगोल को स्वीकार किया था। क्यों आप प्रतीकों के पीछे छिपकर संविधान का अपमान करते हैं? अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहां पे लगा दिया तो दूसरे मजहब वालों की जिम्मेदारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया। आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। पहले उद्घाटन पर बवाल, अब सेंगोल पर सवाल। नई संसद में राजदंड, सपा की सियासत प्रचंड। सेंगोल के नाम पर सपा की सत्ता पलट भविष्यवाणी। राजदंड पर अखिलेश का 24 वाला राजनीतिक दांव। उस सिंगल जो सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था, लेकिन चूंकि तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया। अखिलेश जी से कहिए इंतजार करें, बुढ़ापा आ जाएगा तब तक सत्ता मिलने वाली नहीं। राजदंड पर स्वामी का राजतंत्र वाला निशाना। लोकसभा के अध्यक्ष अगर ये रिक्वेस्ट करते माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप उद्घाटन करिए तो ये उनका पार्ट है और ये स्वागत के योग्य है। विपक्ष वालों के पास कोई विषय नहीं मिल रहा है, अब वो घटिया से घटिया हरकत कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सेंगोल पर सपा नेताओं की अलग अलग दुहाई। एसटी हसन को धर्म की याद आई। अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहां पे लगा दिया तो दूसरे मजहब वालों की जिम्मेदारी है। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहां पे लगना चाहिए। हर निर्माण का, हर अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का जो है उनकी एक ही मंशा रह गई है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगी, केंद्र की सरकार जो काम करेगी उसका विरोध करना, कुछ भी बनाइएगा वो करेंगे। 1947 वाले सेंगोल पर सियासत का धर्म युद्ध। सेंगोल से संसद का श्रृंगार, राजनीति में बढ़ी तकरार। सुनहरी छड़ी पर सुलग रही सियासत।